हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। तो चलिए आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि एक जोरदार ताली हल्ला सीटी म्यूजिक के साथ, अब यहाँ तो म्यूजिक उस तरीके से होगा नहीं, ताली आपकी आएगी नहीं, आवाज नहीं आएगी, लेकिन दिख तो सकता है आपका जोश जज्बा जुनून दिख सकता है आपके ताली के माध्यम से। इसलिए तो हम पहले बोल दिए कि वीडियो ऑन रखना है, तो ऐसा दिखना चाहिए, ताली बजाना चाहिए कि सर को लगे कि जब 2 मिनट में 500 लोग भर सकता है, 1 मिनट में 500 लोग भर सकता है, तो इस ताली की गूंज भी पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। तो आप सभी लोगों की एक जोरदार ताली हल्ला सीटी म्यूजिक के साथ हम अपने उस डबल अपने उस ड्रेसिंग और डायमंड मशीन आइडियल आइकॉन जो कुछ कह लीजिए उस ग्रेट महागुरु को हम आज के इस ज्यादा है प्लेस वाले प्लान में लॉन्चिंग मीटिंग में हम कॉल करते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम इन दिस मीटिंग आवर ग्रेट 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 क्राउन लीडर मिस्टर अजय कुमार पंडित सर। एक जोरदार थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग में कॉल करने के लिए। और गुड मॉर्निंग सभी साथियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अजय पंडित आज आप सबका आज के इस जबरदस्त सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे मालूम है कि जब से ये न्यूज आप लोगों को मिली होगी कि आज की मीटिंग ये सुबह होने वाली है, तो कई सारे लोग तो बेचारे मोबाइल उठ उठ के उन्होंने चेक किया होगा कि भाई सुबह का 7 बज गया क्या, सुबह का 7 बज गया क्या, जिनका शायद हो सकता है उठने का शेड्यूल भी अगर लेट शेड भी होगा तो वो भी पहले से उठ के एकदम रेडी होकर बैठे होंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई आज कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक दबा के एक ऐसी खबर हमें मिलने वाली है जिस खबर का इंतजार तो न जाने कितने सारे लोग कर रहे थे। सभी के मन में अभी उथल पुथल होगी कि भाई क्या बदला है, क्या हुआ है, क्या चलने वाला है, आगे क्या होने वाला है, हमारे बिजनेस में कैसे पंख लगने वाले हैं, हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। तो ये सारी चीजें हर व्यक्ति के दिमाग में होंगी और इस बात को लेकर हर व्यक्ति सोच भी रहा होगा कि आखिर क्या चीजें हैं, हमें जानकारी मिले, सुनने को मिले, समझने को मिले। तो उन चीजों को जानने समझने के इरादे से हर कोई व्यक्ति बेचैन होगा, है ना, हर कोई व्यक्ति बेचैन होगा और जानना भी चाह रहा होगा। और यकीन मानिए मतलब जब से ये खबरें हम लोगों को मिली है, हालांकि खबरें तो काफी पहले से थी, लेकिन जब से ये खबरें हमें मिली है कि कंपनी में इस तरह का बदलाव होने वाला है, इस तरह की चीजें बदलने वाली है, तब से हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और यकीनन दोस्तों जो चीजें अभी बदली हैं सिस्टम में, जो फीचर्स जो चेंज हुए हैं वो बहुत ही जबरदस्त ये फीचर चेंज हुए हैं, मतलब इतना जबरदस्त फीचर चेंज हुआ है कि आप जानने समझने के बाद यकीन मानिए मतलब आप अपने दिल को रोक नहीं पाएंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज का सेशन जो होने वाला है कहीं ठीक ठाक वाली जगह पर बैठिएगा, भाई ये तो नहीं कह सकता कुर्सी की पेटियां टाइट करके बैठना, ये तो फ्लाइट में कुर्सी की पेटियां बांधने की व्यवस्था होती है, घरों में कुर्सी की पेटियां बांधने की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मजबूत वाली जगह पर बैठना है, कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में कोई बात सुनो और एकदम जोश आ जाए और फिर मालूम पड़ा आप कुर्सी से नीचे गिर जाओ। तो ऐसी जगह मत बैठना कोई गिरने की संभावना जहां ज्यादा हो, ऐसी जगह इत्मीनान से बैठना कि जहां पर भाई कुछ पकड़ने की संभावना हो कि हाँ अगर एक्साइटमेंट अगर आए तो आप अपने आप रोक सको, ठीक है। क्योंकि हॉल अगर होता तो हॉल में हम आपको बोलते नाचो खूब झूमो, लेकिन इधर तो भाई आपकी कुर्सी ही आपका हॉल है ना, जहां पर आप बैठे हैं वही माहौल वही जगह आपका हॉल है। तो बहुत बढ़िया है, अभी ढेर सारे लोग अभी यहाँ पर सुनने के लिए पर बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कई सारी जगह पर तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे मिथुन कुमार चैनपुरा से हैं, ये तो पूरी फैमिली के साथ ही मतलब इस मीटिंग को अटेंड करने कर रहे हैं, और साथ में सौरभ कुमार जी भी हैं जो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा परिवार मतलब 5-6-7 लोग हैं इनके परिवार में, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ बैठे पूरी परिवार के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। श्वेता कुमारी जी हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इंद्रजीत कुमार जी भी अपने टीम के साथी के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नवीन कुमार जी हैं, स्मृति खत्री जी हैं, डबल लोग हैं, दो लोग साथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये हैं रेनू अशोक कुमार, ट्रिपल एस रेनू अशोक कुमार, ये भी पूरे 4-5 लोगों के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, एक एक पैनल पर ढेर दो दो तीन तीन लोग हैं, अनिल कुमार जी 2 लोगों के साथ में है, निरंजन कुमार जी 3-3 लोग 4-4 लोग एक साथ मीटिंग में है भाई, 3-4 लोग मीटिंग में है, तो बहुत बढ़िया। तो देखो लोग 2-2 3-3 4-4 लोग एक एक जगह एक एक पैनल पर हैं,
निरंजन और नीरज कुमार, यहाँ भी देखो चार लोग हैं, वो भी सूट वूट के साथ में, है ना, चार लोग हैं ड्रेस कोड के साथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वाह गजब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अहूजा जी भी दो लोगों के साथ मीटिंग में है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नीरज कुमार जी तीन लोग हैं मीटिंग में, तीन लोगों के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और ये हैं कुमार राजे रंजीत शर्मा @7@gmail.com। यहाँ भी देखो तीन तीन लोग यहाँ पर मीटिंग में हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये देखिए राजकिशोर पासवान जी यहाँ भी मतलब दो लोग हैं इस मीटिंग में, यहाँ पर इस जगह बैठे हुए हैं, और हरी नंद चंडी जी तीन लोग यहाँ पर मीटिंग में हैं, तो ढेर से लोग हैं। अशोक प्रसाद जी दो लोगों के साथ मीटिंग में इस पैनल पे मौजूद हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो गिनती जो दिखाई जा रही है कि 500 लोग इस मीटिंग में हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 500 से ज्यादा लोग हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि 7-750 से ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लाइव हैं, वजह लाइव हैं, और बाकी तो हर पैनल पर 4, 5, 3, 2 ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है। चलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस मीटिंग के लिए मुझे संजीवन कुमार पंडित जी ने मुझे मौका दिया, आप लोगों के बीच में आकर दो बातें कहने का, आज आप मुलाकात करने का उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवन जी, जो आज आपने मौका दिया इस मीटिंग में होने के लिए, और आप अपने साथियों से आपने मुझे मिलने का मौका दिया। तो आज की मीटिंग दोस्तों वाकई बहुत दमदार होने वाली है, क्योंकि आज आपकी कंपनी के प्लान में क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, नए फीचर्स के भीतर बदलाव हुए हैं, उन फीचर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। कोई भी अगर शुरुआत अगर होती है किसी भी चीज की, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका प्लान पूरी तरह से बदल गया है, आपका प्लान जो पहले था उसमें जो पहले जो काम किया गए थे उन कामों में बदलाव आ गया, ऐसा नहीं है। जो प्लान आपके पास में पहले था वो तो पहले था ही था, लेकिन उसके भीतर और ढेर सारे नए फीचर ऐड हो गए। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई भी मोबाइल अगर मार्केट में अगर लॉन्च होता है, मान लीजिए एप्पल का ये मोबाइल मार्केट में अगर लॉन्च होता है, तो ये एप्पल का मोबाइल तो सेम रहेगा, लेकिन अब एप्पल अगर दोबारा एप्पल कंपनी दोबारा अगर कोई नया मोबाइल अगर लॉन्च करती है, नए फीचर के साथ अगर मोबाइल लॉन्च करती है, तो उसमें क्या होता है, क्या पहले वाले मोबाइल में जो कॉलिंग फीचर था, मतलब कॉल करने की सुविधा थी, जो नया मोबाइल आएगा उसमें कॉल करने की सुविधा हटा दी जाएगी? वो रहेगी ना, कॉल करने की सुविधा रहेगी, कैमरे की फैसिलिटी उसमें जो पहले थी वो कैमरे की फैसिलिटी भी उसके भीतर रहेगी, भाई उसमें आप फोटो वगैरह स्टोर कर सकते थे, फोटो स्टोर करने की भी सुविधा रहेगी, और भी जो आप फेसबुक इंटरनेट और दूसरे ऐप उसमें डाउनलोड कर सकते थे वो दूसरे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो नया जो मोबाइल आएगा, जो नया जो लॉन्च होगा, उसमें क्या चीज होगा, पहले की जो सुविधाएं थी वो तो रहेगी रहेगी, बस कुछ और नई सुविधाएं बढ़ जाएंगी, कुछ और नए फीचर उसके भीतर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों अभी के आपके प्लान के साथ में है कि जो सुविधाएं आपके पास में पहले से थी वो सारी सुविधाएं सेफ शॉप के माध्यम से अभी भी आपके पास में है, बस इन सुविधाओं के साथ कुछ और ढेर सारे बेनिफिट्स और ढेर सारे फीचर्स आपके नए प्लान के भीतर और एड ऑन हो गए हैं, और आपके प्लान ऐड हो गए हैं, है ना। तो ये क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्या क्या इसमें सुविधाएं आपकी बढ़ी हैं, तो चाहे तो डायरी और पेन नोट करने के लिए अपने पास में रखिएगा, ताकि आप ध्यान रख सकें कि क्या क्या बदला है, एक एक बात को आप नोट कर सकें, समझ सकें, और इसकी जानकारी आप ले सकें, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जहां पर आपको हम ये बता सकें कि भाई क्या क्या बदलाव हुआ है, है ना। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो एक बार फिर से आप सबको मेरा नमस्कार, मैं अजय पंडित आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान 2021 के अपडेट मॉडल में। दोस्तों हम सभी को पता है कि ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान यानी कि CCC कॉर्पस कंपनसेशन प्लान, ये पहले भी हमारे साथ लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2020 में। इसका पहला वर्जन ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान का आया था 2020 में, और 2020 में 2 अक्टूबर 2020 के बाद कहते ना कि कोई भी मॉडल अगर लॉन्च किसी मोबाइल का अगर होता है तो हर मॉडल में गुंजाइश होती है उसके अपडेट होने की, हर मॉडल में गुंजाइश होती है उसमें बदलाव आने की। कोई भी अगर एक बार अगर नई कार आती है, मान लीजिए पहली बार अगर कोई कार मार्केट में आई थी, फॉर्च्यूनर कार मार्केट में आई थी जब पहली बार उस कंपनी ने बनाया था, तो दोबारा उस मॉडल को अपडेट करके मार्केट में फिर से उतारा गया ना,
हर बार जब जब उस मॉडल में बदलाव होते हैं तो उसकी सुविधाएं, उसका लुक, उसके फीचर बदल जाते हैं। तो ऐसे ही जो ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान 2020 में जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को, और आज फिर से दोबारा ये ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान अपडेट मॉडल के साथ, अपडेट फीचर्स के साथ 2021 में दोबारा से लॉन्च होने जा रहा है, लॉन्च हुआ है। तो इन फीचर्स में क्या क्या बदलाव आपके फीचर्स में हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा हम करने की शुरुआत करेंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि ये जो ज्यादा सीसीसी वाला जो प्लान का जो बेनिफिट है, ये आज तारीख 11 जून है, और खुशी की बात यह है कि आज ही से ये आपका ज्यादा सीसीसी वाला प्लान आज से आपका लॉन्च हो रहा है, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान 2021 का जो अपडेट फीचर के साथ ये मॉडल जो है, ये आज ही आपके बिजनेस के भीतर अपडेट हो रहा है। जो भी आपने कल तक आपने जो सेलें भेजी होंगी, जो भी सेलें आपकी कल तक ग्रीन हुई होंगी, वो सारी की सारी सेलें कल के प्लान के हिसाब से, जो प्लान अभी तक चल रहे थे उस प्लान के हिसाब से उसकी सुविधाएं और उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन आज से जो भी सेल आपकी ग्रीन होगी, जो भी सेल आपने भेज रखी होगी, अगर किसी कारण से अगर ग्रीन नहीं हुई है, या आज जो भी सेल आप भेज रहे हैं, वो सारी की सारी सेलें ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान में जो आज से जो फीचर लॉन्च होंगे, आज से जो बेनिफिट लॉन्च होंगे, वो सारे फीचर, सारे बेनिफिट का फायदा आज से क्लियर होने वाले सारे सेल के ऊपर आज से आपको मिलने वाला है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है। अभी आप अपनी कंपनी की वेबसाइट अगर आप खोल के देखेंगे तो अभी आपकी कंपनी की वेबसाइट आपकी ओपन भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि उस पर अपडेट होने का काम प्रोसेस बहुत तेजी से जारी है। मतलब नए प्लान को आपके प्लान के साथ में अपडेट किया जा रहा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर रन कराया, सॉफ्टवेयर रन कराया जा रहा है और वो सारी चीजें चलती चली जा रही है, है ना। तो ये प्लान आपका आज से जारी हो गया। तो आज आपसे हम बात करेंगे ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान का अपडेट मॉडल, मतलब अपडेट बेनिफिट और अपडेट फीचर्स के साथ 2021 का ये मॉडल, कि क्या 2021 में ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान में बदलाव हुए हैं। क्योंकि लोग कहते थे भाई सर हैप्पीनेस वाला प्लान है तो कुछ हैप्पी वाला होना चाहिए। तो चलिए कुर्सी की पेटी टाइट कीजिए और ज्यादा हैप्पीनेस से हम शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में आज। तो सबसे पहली जो खुशी की खबर, बधाई हो, अब हमारे प्रोडक्ट की गैलरी 2 से अब 1 हो गई है। कंग्रेचुलेशन, एक जोरदार ताली पहले तो हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सिंपल सा है कि जो प्रोडक्ट की गैलरी अब तक आपके पास में 2 थी, अभी आप जब वेबसाइट आप खोलते थे तो हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, उस पर लिखा होता था फर्स्ट बाय, किसी पर लिखा होता था रीपर्चेस। तो इसका मतलब फर्स्ट बाय का मतलब अगर किसी नए व्यक्ति को अगर आपको ज्वाइन कराना है तो आपको फर्स्ट बाय का ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और आपको वहां दिखता भी होगा, कई कई सारे लोग देखते भी होंगे कि भाई कोई रीपर्चेस का कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है काश इस नए व्यक्ति को अगर ये प्रोडक्ट देकर भी अगर ज्वाइन करा लेते ना तो मजा आ जाता। लेकिन चाहकर भी आप उस रीपर्चेस वाले प्रोडक्ट के साथ आप नए व्यक्ति को आप ज्वाइन नहीं करा पाते थे, चाहकर भी, क्योंकि वो सुविधा नहीं थी। अगर किसी नए व्यक्ति को आपको ज्वाइन कराना है तो फर्स्ट बाय का ही प्रोडक्ट देकर आप उस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं, फर्स्ट परचेज का ही प्रोडक्ट देकर आप उस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं, रीपर्चेस का प्रोडक्ट देकर उस व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा सकते। और दूसरी बात क्या होती थी कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे अभी यहां पर बहुत सारे लोग बिजनेस में ज्वाइन है, तो ज्वाइन होने के बाद उनका दोबारा कुछ ना कुछ खरीदने का मन करता था। सेफ शॉप में दोबारा कोई ना कोई रीपर्चेस की भी सुविधा है, दोबारा खरीदने का मन करता था। तो कई बार उनको फर्स्ट परचेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये जूता बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जूता मैं ले सकता था, लेकिन दिखता क्या था, वो फर्स्ट परचेस का प्रोडक्ट था। रीपर्चेस में दोबारा खरीदने से उनको रीपर्चेस में कोई फायदा मिलने वाला नहीं था, तो इस वजह से लोग फर्स्ट परचेस में मिलने वाले प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों अब इस टेंशन से आप फ्री हो गए, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्ट की जो गैलरी है, आज से जो आपकी वेबसाइट पर जो डिस्प्ले होगा वो प्रोडक्ट की गैलरी अब पूरी तरह से एक हो जाएगी। फर्स्ट परचेस लिखा होगा ना वहां पर आपका रीपर्चेस लिखा होगा, बल्कि पूरी की पूरी गैलरी में से कोई भी प्रोडक्ट छांट कर आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आप पूरी तरह से आजाद हैं। मतलब पूरी प्रोडक्ट गैलरी आपकी अब एक हो गई है। कोई भी नया व्यक्ति जो जुड़ना चाहता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को का कॉम्बिनेशन बनाकर आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। और कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई भी अगर दोबारा से किसी भी रिपर्चेस करके कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहता है तो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी कि वो ये वाला खरीद सकता है और ये वाला नहीं खरीद सकता है। सारी बंदिशें हट गई हैं कि जुड़ा हुआ व्यक्ति भी किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके रीपर्चेस में उसकी खरीदारी कर सकता है। तो बधाई हो, वो सारा क्राइटेरिया खत्म जहां पर फर्स्ट बाय और रीपर्चेस वाला प्रोडक्ट का हाई का कैटेगरी था, अब सारे के सारी प्रोडक्ट की गैलरी एक हो गई है। तो एक जोरदार ताली वंस अगेन कंपनी के इस शानदार फैसले के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं तो चलो ये तो पहला फायदा समझ में आ गया कि भाई प्रोडक्ट की गैलरी अब एक हो गई। दूसरा क्या फीचर इसके भीतर बढ़ गया, तो दूसरे फीचर के साथ में दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ा बदलाव क्या आ गया कि अब हमें हर बिजनेस वॉल्यूम पर डबल पे आउट मिलेगा। कुछ नहीं हुए आप, मजा नहीं आया आपको? अरे मैंने कहा हर बिजनेस वॉल्यूम पर आपको डबल पे आउट, जोरदार ताली बनती है इसके लिए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे डबल पे आउट कैसे मिलेगा, मैं समझ में तो कुछ भी नहीं आया। आप कह रहे हो डबल पे आउट मिलेगा, लेकिन कैसे पे आउट मिलेगा, जरा समझाओ तो सही खुल के। हाँ तो समझने की शुरुआत कीजिए। नॉर्मली क्या होता था कि दोस्तों जब हम कल तक जो हमारा प्लान जो चल रहा था, इस प्लान के भीतर हमारा होता क्या था कि आप सभी जानते हैं कि आपके बिजनेस के भीतर दो तरह की इनकम आपको मिलती है। फर्स्ट परचेज की इनकम आपको मिलती है और रीपर्चेज की इनकम मिलती है। मतलब फर्स्ट परचेज में जब आप पेयर मैच कराते थे तो वहां पर आपको पैसा मिलता था, और रीपर्चेज में जैसे कि जो लोग दोबारा से जुड़े हुए जो लोग हैं कुछ खरीदारी करते थे तो उनके खरीदारी करने से बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलते थे और उनकी पेयर मैचिंग की वजह से भी आपको पेयर मैचिंग की इनकम मिलती थी। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा फायदा आपके प्लान में और चलता था जो सीसीसी प्लान के तहत वो फायदा आपके लिए आता था, कॉर्पस कंपनसेशन प्लान आपके लिए रन करता था जिसमें आपको रैंक बनाने की आपको सुविधा मिलती थी। रैंक आप बनाते थे, मतलब रीपर्चेज में जो भी आप खरीदारी करते थे उससे जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनता था वो बिजनेस वॉल्यूम सीधे सीधे सीसीसी प्लान के तहत आपके रैंक बनाने में वो बिजनेस वॉल्यूम शामिल किए जाते थे। ये आपको पता होगा रैंक जो अभी आपकी बनती थी, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, रैंक फाइव, ये सारी रैंक हैं आपका बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस में खरीदे हुए सामान से जो बिजनेस वॉल्यूम बनता था उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपकी रैंकें बना करती थी। लेकिन अब खुशखबरी क्या है वो धमाके से सुनो और कुर्सी की पेटी टाइट करके रखो क्योंकि ये जबरदस्त वाली खबर है। डबल फायदा है ना यार, अगर डबल फायदा मिले तो कौन ही चाहेगा है? जो फायदा मिले तो ये डबल फायदे वाली बात गौर से आप समझो कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट के साथ आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट के साथ जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, मान लीजिए लेफ्ट में आपने किसी व्यक्ति को 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट दिया और आपने राइट में किसी व्यक्ति को 200 बिजनेस वॉल्यूम का आपने प्रोडक्ट दिया, तो आपका एक पेयर मैच हो जाता है, एक पेयर आपका बन जाता है, एक जोड़ा आपका बन जाता है और उस एक जोड़े बनने से 1000 रुपए की इनकम आपको मिल जाती थी। मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में हो गया और 200 बिजनेस वॉल्यूम आपका राइट में हो गया और इतना ही फायदा सिर्फ आपको मिलता था। लेकिन अब से क्या होगा कि 200 बिजनेस वॉल्यूम जो लेफ्ट में आपका आ गया और राइट में 200 बिजनेस वॉल्यूम आपका आ गया, लेकिन अब से क्या होगा कि जैसे ही आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ एक व्यक्ति को आपने लेफ्ट में आपने ज्वाइन कराया, आपका सीसीसी प्लान के तहत रैंक इनकम बनाने के लिए ऑटोमेटिकली 200 बिजनेस वॉल्यूम वहां भी आपका बन जाएगा। तो जोरदार ताली हो जाए भाई, मतलब रैंक इनकम बनाने के लिए, रैंक इनकम आपको पाने के लिए आपको इससे पहले क्या करना पड़ता था, रीपर्चेज में जब आप खरीदारी करते थे तब आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता था और तब आपकी रैंक बनाने में वो बिजनेस वॉल्यूम शामिल होते थे। लेकिन अब कमाल की बात है, आपने रीपर्चेस में कोई खरीदारी नहीं की, आपने सिर्फ एक आदमी को जोड़ा 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में और उतना ही 200 बिजनेस वॉल्यूम अपने आप ही रैंक इनकम बनाने के लिए सीसीसी प्लान में आपका जुड़ गया, वहां पर ऑटोमेटिकली 200 बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट वहां पर हो गया। जरा सोचो, अभी अगर पिछले प्लान में ही अगर आप रहते तो पिछले प्लान के हिसाब से क्या था, 200 बिजनेस वॉल्यूम का 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपको रैंक इनकम बनाने के लिए अगर आपको वहां पर अगर जोड़ना पड़ता तो 200 बिजनेस वॉल्यूम जोड़ने के लिए आपको क्या सेल करनी पड़ती, 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान रीपर्चेस में खरीदना पड़ता ना। और आपको पता है कि 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर रीपर्चेस में अगर आप खरीदते तो कितना पैसा आपको खर्चा करना पड़ता, 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अगर आपको रीपर्चेस में खरीदना था ना रीपर्चेस में, तो भाई साहब 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्चा करना पड़ता था, कम से कम 5000 रुपया, 5000 रुपया खर्चा करके तब जाकर 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आता था। इसका मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर हमें रैंक इनकम के लिए बढ़ाने अगर पड़ते तो कितना खर्चा करना पड़ता, 50 बिजनेस वॉल्यूम के लिए 5000, 200 बिजनेस वॉल्यूम के लिए करीब करीब 20000 रुपया खर्चा करना पड़ता था। 20-22000 रुपया जब खर्च करते थे ना तब जाकर 200 बिजनेस वॉल्यूम वहां बनते थे। मतलब 20-22000 की शॉपिंग जब आप करवाते थे अपने लोगों के साथ रीपर्चेज की, तब 200 बिजनेस वॉल्यूम आपके बढ़ते थे वहां पर रीपर्चेज में, रीपर्चेज में रैंक बनाने के लिए सीसीसी प्लान के भीतर। लेकिन अब आपने वहां अगर कोई भी खरीदारी नहीं की उसके बावजूद भी फर्स्ट परचेज के किसी भी पैकेज को लेकर जो व्यक्ति जुड़ता है 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट के साथ वो व्यक्ति जुड़ा, तो
तो 200 बिजनेस वॉल्यूम आपका अपने आप ही रिपर्चेज, अपने आप ही आपका सीसीसी प्लान के तहत में रैंक बनाने के लिए वहां भी आपका जुड़ जाता है, वहां भी आपका एड ऑन हो जाता है। तो एक साथ डबल फायदा कि आपने सिर्फ 200 लोगों को एक बार यहां जोड़ा और 200 लोगों का रैंक इनकम के लिए ऑटोमेटिकली उतना बिजनेस वॉल्यूम वहां भी जनरेट हो गया। मजा आ गया ना, कि जहां पर हमें सिर्फ एक फायदा मिलता था, एक ही बार बिजनेस वॉल्यूम बनाने का फायदा मिलता था, लेकिन अब जो भी बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, जितने बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, उतना ही बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सीसीसी प्लान के तहत में आपका रैंक इनकम बनाने के लिए वहां भी क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपनी छोटी लाइन में 4 लोगों को 200-200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपने जोड़ा, तो रैंक इनकम के लिए भी आपका 400 लोगों के हिसाब से 200-200 का बिजनेस वॉल्यूम वहां भी बन जाएगा। 200, 400, 600, 800, मतलब 800 बिजनेस वॉल्यूम आपकी छोटी लाइन में रैंक इनकम बनाने के लिए वहां भी जुड़ गया आपका, बिना कुछ किए। मतलब रैंक बनेगी, अब रैंक बनेगी। यानी पहले क्या था, रैंक कैसे बनती थी, चलो आगे हम बात करेंगे पहले कैसे रैंक बनती थी। और तीसरा फायदा क्या आपके बिजनेस के लिए बड़ा, तो भाई ये फायदा आपको समझ में आया कि नहीं आया कि आपकी आमदनी डबल कैसे हो गई? आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली हो जाए कंपनी के जबरदस्त फैसले के लिए भाई, बहुत दमदार वाला फैसला। यहां पर हम जितना काम हम करते हैं उतना काम के एवज में अब आपके पैसे की आमदनी दुगनी हो गई, अब आपके पैसे की आमदनी दुगनी हो गई। जितना पैसा पहले आप सिल्वर बनने तक कमाते थे, अब वो पैसा डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा। यानी सिल्वर बनने तक जो व्यक्ति जो पैसा पहले कमाता था, अब उसका डबल से ज्यादा पैसा वो व्यक्ति अब इस प्लान के हिसाब से कमाएगा। कारण दो जगह वो बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो रहे हैं और दो जगह उस काउंटिंग बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट उस व्यक्ति को मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इस बिजनेस के भीतर आपका एड ऑन हो गया। तो कई सारे लोग बोल रहे होंगे इसका मतलब सर चीजें अगर बहुत बदल गई हैं तो हमारी कैपिंग भी बदल गई होगी। बोला ना जी, कैपिंग आपकी बराबर वही है। मतलब वीकली कैपिंग आपकी जो फर्स्ट परचेज नए व्यक्ति को जोड़कर जो आपका बिजनेस वॉल्यूम बनता है, उस फर्स्ट परचेज से आपकी वीकली जो कैपिंग है वो 2 लाख अभी भी बरकरार है। और इसके अलावा जो लोग जुड़ गए हैं, जुड़े हुए लोग भी तो कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं ना रीपर्चेज में, तो रीपर्चेज में खरीदारी करने से जो आपकी मैचिंग इनकम बनेगी, उस मैचिंग इनकम का भी मैक्सिमम इनकम 2 लाख रुपए की जो कैपिंग रीपर्चेज इनकम में आपके पास में लेने की सुविधा थी, वो रीपर्चेज में भी 2 लाख रुपए की कैपिंग लेने की सुविधा अभी भी बरकरार है। मतलब 4 लाख रुपए की कैपिंग कंपनी के भीतर अभी भी आपके पास बरकरार है। 2 लाख रुपए की फर्स्ट परचेज में कैपिंग और 2 लाख रुपए की रीपर्चेज के भीतर भी आपकी कैपिंग, ये दोनों बरकरार है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान के भीतर अगर कोई कंपनी 4 लाख रुपए की कैपिंग अगर दे रही है तो उस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, सेफ शॉप। सिर्फ सेफ शॉप, सेफ शॉप इकलौती ऐसी कंपनी हिंदुस्तान के भीतर है जो 4 लाख रुपए की कैपिंग किसी भी व्यक्ति को सप्ताह की प्रोवाइड कर रही, वीकली प्रोवाइड कर रही। वरना ज्यादातर जो कंपनियां हैं किसी के पास में 1 लाख रुपया, किसी के पास में 1.25 लाख और किसी के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 और 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैपिंग किसी भी कंपनी के पास में, 1.5 लाख से ज्यादा की कैपिंग किसी कंपनी के पास में नहीं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। आपकी कंपनी से प्रेजेंट टाइम में 4 लाख रुपए की कैपिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, तो ये सुविधा आपके पास जो पहले थी वो अभी भी बरकरार है, ठीक है। चौथी सुविधा के साथ में आपके पास में क्या बढ़ गया, ज्यादातर ये कंडीशन में आता था कि कोई भी फ्रेशर व्यक्ति जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी जिसकी कोई टीम नहीं बनी है, जो भी ब्रांच भी जिसने कंप्लीट नहीं किया, पहला लेवल भी जिसने कंप्लीट नहीं किया, ऐसा कोई भी फ्रेशर व्यक्ति अगर अपनी आईडी को अगर एक्टिव रखना चाहता था, मतलब अपनी आईडी को अगर जिंदा रखना चाहता था, तो उस व्यक्ति को 25 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना ही पड़ता था। और 25 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदने से उस व्यक्ति की आईडी 1 साल के लिए एक्टिव हो जाती थी। मतलब 1 साल के लिए उस व्यक्ति की आईडी एक्टिव हो गई और 1 साल तक अगर व्यक्ति कुछ भी अगर नहीं खरीदता, किसी को भी ज्वाइन नहीं कराता, तब भी उसकी आईडी एक्टिव रहेगी, मतलब जिंदा रहेगी, उसकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन खुशी की बात क्या है कि अब कंपनी ने बड़े दिल का हिसाब किताब बनाकर क्या दिया है कि अब कोई भी फ्रेशर अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए, अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए उस व्यक्ति को 25 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ 5 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करने से ही, 5 बिजनेस वॉल्यूम का ही कोई सामान खरीद लेने से ही उस व्यक्ति की आईडी एक्टिव रहेगी। मतलब 25 की जगह क्या हो गया, सीधे सीधे 5। कमाल हो गया मेरे यार, 25 की जगह सीधे सीधे 5, तो ताली बनती है। 20 बिजनेस वॉल्यूम कम कर दिया सीधे, कि लोगों के लिए सुविधाएं इतनी आसान हो गई कि अब कोई भी फ्रेशर व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए उस व्यक्ति को 25 बिजनेस वॉल्यूम की सामान की खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए सिर्फ 5 बिजनेस वॉल्यूम के सामान की खरीदारी करने की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन और सुनो खुशी की खबर, इस 5 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करने से उस व्यक्ति की आईडी 1 साल नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आईडी 5 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करने से 2 साल के लिए एक्टिव रहेगी, 1 साल नहीं 2 साल के लिए एक्टिव रहेगी। तो डबल खुशी की खबर, ताली तो बनती है जोरदार वाली, है ना, डबल खुशी की खबर, डबल। तो जहां पर किसी भी फ्रेशर वाले व्यक्ति को 2 साल अपनी आईडी को अगर एक्टिव अगर रखना होता था तो उसे 25 बिजनेस वॉल्यूम पहली बार और 25 बिजनेस वॉल्यूम दूसरी बार, यानी 50 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करनी पड़ती थी, 50 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी पड़ती थी। लेकिन अब सिर्फ 5 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करने के बाद उस व्यक्ति की आईडी अगले 2 साल के लिए एक्टिव रहेगी, 2 साल के लिए उस व्यक्ति की आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगी, सीसीसी प्लान के लिए, फर्स्ट परचेज इनकम प्लान के लिए, सारे सारे फायदे लेने के लिए उस व्यक्ति की आईडी परमानेंट 2 साल के लिए एक्टिव। अब देखो 2 साल में ज्यादातर लोग क्या बोलते थे कि सर क्या करें, 1 साल तो बेचारे को पटाने भी लग जाता है, मनाने भी लग जाता है, जब तक बेचारा वो मानता है, करने के लिए मूड बनाता है, तो मालूम पड़ा उसकी आईडी 1 साल में खत्म हो गई। अब उसको दोबारा हम बोलते हैं कि भाई 25 बिजनेस वॉल्यूम का सामान फिर खरीदना पड़ेगा, तो फिर नखरे दिखाना शुरू कर देता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर देता है। तो लो जैसे तैसे उसको मनाया था, पटाया था, फिर लूट गया वो तो फूफा जी की तरह, तो बोला अब उसको कैसे मनाए। तो अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, उसको मनाने के लिए आपको पूरा का पूरा 2 साल का टाइम दे रखा है, 2 साल में वो व्यक्ति फ्रेशर है, कुछ ना कुछ कर जाएगा, और 2 साल में भी अगर कुछ नहीं कर पाया ना तो फिर भूल जाओ उसको, फिर जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। 2 साल में भी अगर वो एक्टिव नहीं हुआ तो फिर वो 3rd साल में भी क्या कर लेगा। तो भाई 2 साल बहुत कंपनी ने दे दिया, और वो भी सिर्फ 5 बिजनेस वॉल्यूम के साथ ही किसी व्यक्ति की आईडी 2 साल लगातार एक्टिव रहेगी, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा फीचर और बहुत बड़ा बेनिफिट इसके माध्यम से ये बढ़ गया। तो आइए अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं कि आपके प्लान में और अगला नया फीचर क्या बढ़ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर के बाद कि जो रीपर्चेस के जो अधिकांश जो प्रोडक्ट आपके पास में थे, कई सारे लोग कहते थे कि सर रीपर्चेस का सामान हम खरीदना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, रीपर्चेस के सामान के साथ में सामान खरीद हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि इसके रेट बहुत ज्यादा है, मतलब कीमत बहुत ज्यादा है। और तो और कीमत तो ज्यादा है ही, जो हमारे साथी लोग कहा करते थे सर उसको बेचने से कमीशन भी तो हमको कम मिलता है, फर्स्ट परचेस के प्रोडक्ट पे कमीशन हमको ज्यादा मिलता है और सेकंड परचेस के सामान का उतना ही पैसे का जब हम बेचते हैं तो उसका कमीशन हमें बड़ा कम मिलता है। तो बोला कमीशन कम था मतलब फायदा कम था, बिजनेस वॉल्यूम कम मिलता था तो लोग इस वजह से भी नहीं बेचते थे, कीमत ज्यादा थी और बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा थे फर्स्ट परचेस के कंपैरिजन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अब खुशी की बात यह है कि रीपर्चेस के अधिकांश प्रोडक्ट के ऊपर आपके बिजनेस वॉल्यूम मतलब आपको मिलने वाला कमीशन, आपको मिलने वाला फायदा बढ़ा दिया गया है, और दूसरी बात रेटों को घटा दिया गया है, आपके प्रोडक्ट जो थे उनके रेट घटा दिए गए। आमतौर पर क्या होता है जब कमीशन बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है दाम भी बढ़ेगा उन चीजों का, लेकिन मजे की बात आपका कमीशन बढ़ गया, आपको मिलने वाला बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस के प्रोडक्ट पर बढ़ गया, लेकिन रेट जो थे उनके बढ़ाए नहीं गए बल्कि घटा दिए गए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वाला फैसला है, अगेन मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली कंपनी के जबरदस्त फैसले के लिए कि भाई आपके सारे रीपर्चेस के प्रोडक्ट पर बिजनेस वॉल्यूम घटा बढ़ा दिए गए हैं और रेट उनके घटा दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि अब बड़ी आसानी से आप अपने टीम में रीपर्चेस के प्रोडक्ट भी बड़े आसानी से आप प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीपर्चेस में भी अगर कोई व्यक्ति अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो रीपर्चेस के भीतर आपकी मैचिंग इनकम तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा रीपर्चेस में जितने भी बिजनेस वॉल्यूम का सामान अगर वो खरीदता, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रीपर्चेस में 100 बिजनेस वॉल्यूम की सामान की खरीदारी की, तो 100 बिजनेस वॉल्यूम का पेयर मैचिंग इनकम रीपर्चेस इनकम के हिसाब से उस व्यक्ति को तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा वो 100 बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सीसीसी प्लान के तहत रैंक इनकम बनाने के लिए भी वहां ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब चाहे आप फर्स्ट परचेस में किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाइए, फर्स्ट परचेस से आप बिजनेस वॉल्यूम आप ज्वाइन अर्न कीजिए, चाहे आप रीपर्चेस का कोई सामान खरीद कर आप बिजनेस वॉल्यूम अर्न कीजिए, आप कहीं से भी अगर आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो उतना ही बिजनेस वॉल्यूम अपने आप सीसीसी प्लान के भीतर आपके रैंक बनाने में आपकी उस लाइन में ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो बढ़िया बात कि भाई बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दिए और रेट घटा दिया, तो जबरदस्त फीचर। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कंपनी की तरफ से आपके पास में आया। अब तक देखिए आपके साथ में क्या होता था कि जब आप बुलसाई लेते थे तो बुलसाई लेने से, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब आप बुलसाई लेते थे तो क्या उनके अपलाइन को, मान लीजिए आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने बुलसाई लिया तो उसको तो चलो 4,500 का चेक बन गया जी, अपलाइन को क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। अपलाइन का क्या सर, अपलाइन तो खुश था कि चलो हमारी टीम में हमारे
हमारे साथी को मतलब बड़ा चेक मिला, लेकिन उसको वो बेचारा संतुष्ट रहता था कि चलो ठीक है हमारा टीम खुश तो हम भी खुश, मतलब उसको रह जाते थे, है ना, उसको मिलने के नाम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि इससे पहले क्या था, जब ये ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान 2020 में जब लॉन्च हुआ था, उससे पहले की बात अगर करें, कोई भी व्यक्ति अगर बुल्साई अगर लेता था तो उसके अप्लाई को कम से कम 70 रुपया तो भी मिलता था। लेकिन जब ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान 2020 में लॉन्च हुआ तो ये 70 रुपया भी अप्लाई के हिस्से से कट गया, कि अप्लाई को 70 रुपये भी मिलना बंद हो गया, ये भी खत्म और ये भी खत्म। और साथ में जो सेल आप भेजते थे, जो सेल आप भेजते थे वो टारगेट में भी काउंटिंग में नहीं आता था, ना आपकी वो रिकॉग्निशन की काउंटिंग में आता था। लेकिन बाद में कंपनी को थोड़ा बोला गया तो कंपनी ने जो सेलें आप भेजा करते थे, अब तक जो सेलें आप भेजते थे जिस पर आपकी टीम बुलसाई लेती थी, तो बुलसाई से जितने भी बिजनेस वॉल्यूम का आपने बुलसाई लिया, मान लीजिए 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट के ऊपर आपने बुलसाई लिया, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम आपके टारगेट में खाली जुड़ जाते थे। कंपनी के जो टारगेट चल रहे थे वो टारगेट में खाली जुड़ जाते थे, बाकी कोई पैसे के तौर पर कोई फायदा वायदा आपको उसका मिलता नहीं था, है ना। लेकिन अब गुड न्यूज कि ना केवल जो अभी आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति बुलसाई ले रहा है, ना केवल उतना बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसी व्यक्ति ने लेकर बुलसाई लिया है, तो ना केवल 200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी टारगेट में काउंटिंग में आएगी, बल्कि आपकी रिकॉग्निशन लेवल में, जैसे आप सिल्वर बन रहे हैं, ब्रॉन्ज बन रहे हैं, गोल्ड बन रहे हैं, पर्ल बन रहे हैं, जो भी आप रिकॉग्निशन लेवल ले रहे हैं, आपके रिकॉग्निशन के भीतर भी वो 200 बिजनेस वॉल्यूम की काउंटिंग होगी। और साथ में सीसीसी प्लान के तहत रैंक बनाने के लिए आपकी 200 बिजनेस वॉल्यूम रैंक इनकम के लिए भी आपकी वहां पर जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब 200 का 200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी कहां जनरेट हो गई, रैंक इनकम बनाने के लिए। यानी जो 200 बिजनेस वॉल्यूम आपका यूं ही चला जाता था, 200 बिजनेस वॉल्यूम का किसी व्यक्ति ने बुलसाई लिया तो उसको 4,500 मिल गया, अपलाइन को कुछ भी नहीं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। ऐसे भी तो आपको हर सेल का खाली 200 बिजनेस वॉल्यूम ही तो इससे पहले मिलता था, लेकिन अब जो बुलसाई पर कुछ भी नहीं मिलता था, अब उस बुलसाई के ऊपर भी आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। और वो कहां मिलेगा, रैंक इनकम के भीतर 200 बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। आपकी छोटी लाइन में अगर वो बुलसाई किसी व्यक्ति ने ली है तो आपके छोटी लाइन के काउंटर में सीसीसी प्लान के भीतर रैंक इनकम में छोटी लाइन में 200 बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो मजे की बात कि जहां पर कई लोग इस डर से बुलसाई प्रमोट नहीं करते थे कि भाई नीचे वाले का तो बुलसाई मिल जाएगा, हमारा चेक बन रहा है 2000 का, हमारा 2000 का जगह 1000 का चेक रह जाएगा, क्योंकि एक तो बुलसाई भी चला जाएगा। तो कई बार जो लोग बुलसाई डरते डरते घबरा घबरा के प्रमोट करते थे, अब घबराने की जरूरत नहीं है, धुआंधार जम के जबरदस्त तरीके से आप बुलसाई को प्रमोट कीजिए, क्योंकि बुलसाई लेने वाला भी खुश और बुलसाई जो उसकी अप्लाई ने दिलवाई है वो दिलवाने वाला भी खुश, क्योंकि दिलवाने वाले को भी 200 बिजनेस वॉल्यूम मिल गया और लेने वाले को भी 4,500 रुपए की आमदनी मिल गई। अजब मजा आ गया जी। तो मैं चाहूंगा कंपनी के लिए इस फैसले के लिए भी जबरदस्त ताली बनती है जी, बहुत जबरदस्त कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि फायदा भी अब हमारे साथियों को मिलना शुरू हो जाएगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम उन्हें रैंक इनकम बनाने में उनकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। देखो बहुत सारे लोग अभी समझ शायद नहीं पा रहे हैं कि भाई 200 जो बढ़ रहा है हमारा रैंक इनकम बढ़ाने के लिए, तो भाई उधर बढ़ रहा है ना, उधर बढ़ने से क्या फायदा होगा, इधर तुरंत बढ़ता तो मजा आता। अरे मेरे यार आप समझ ही नहीं पा रहे हो, रैंक इनकम जो बनती थी ना पहले, पता है रैंक इनकम कैसे बनती थी, रैंक इनकम बनाने के लिए रीपर्चेज में जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट की खरीदारी करता था तब उससे बिजनेस वॉल्यूम बनता था, और उससे बनने वाला बिजनेस वॉल्यूम से रैंक बनती थी। मतलब पहाड़ पर जब चींटी चढ़ती है ना, पहाड़ पर चींटी चढ़ती है तो कैसे चढ़ती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं चींटी इस जन्म में इस पहाड़ पर चढ़ भी पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। तो हमारे जो लोग थे ना, जो बेचारे नीचे हमारे प्रेशर थे, हमारे सिल्वर थे, हमारे ब्रॉन्ज थे, वो गोल्ड थे, वो क्या सोचते थे, पता नहीं यार इस जन्म में भी साला हमारा पहला रैंक भी कभी पार होगा कि नहीं होगा, इस जन्म में भी पहले रैंक पर चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। वो पहला रैंक भी उनके लिए क्या था, जैसे चींटी के चढ़ने के लिए पहाड़, चीटी तो अपनी चालों चढ़ेगी ना पहाड़ पे, तो पता है बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एमरल्ड रूबी और जो डायमंड है, बड़ी मुश्किल से तो उनका पहला रैंक क्लियर हुआ, बड़ी मुश्किल से उनका दूसरा रैंक क्लियर हुआ, बड़ी मुश्किल से तो कोई कोई जो डायमंड होगा तीसरे रैंक पे पहुंचा होगा। अब नीचे बैठा सिल्वर और वो ब्रॉन्ज बेचारा सोच रहा है कि जब ये एमरल्ड रूबियों को पहला दूसरा रैंक बनाने में इतना टाइम लग गया तो पता नहीं इस जन्म में हमारा भी कोई रैंक बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब रैंक के लिए भी उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस जन्म की बात है भी कि नहीं है, लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं, मतलब रैंक ताबड़तोड़ बनेगा, रैंक ताबड़तोड़ बनेगा, पैसा ताबड़तोड़ आएगा, जो बोनस जो पैसे जो लोगों को मिला करते थे जबरदस्त तरीके से
वो पैसे का काउंटर आपका चालू हो गया, क्योंकि जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम आप फर्स्ट परचेज में आप भेज रहे हैं उतना ही बिजनेस वॉल्यूम अपने आप बिना कोई सेल के अपने आप आपका बोनस इनकम पाने के लिए, रैंक इनकम पाने के लिए उसमें काउंटिंग में शामिल होता चला जा रहा है। एक्सीलेंट फीचर। और ये वाला फायदा तो खैर डायमंड और डायमंड से अब वाले का है। तो आप बोलोगे ये डायमंड का फायदा तुमको क्यों बता रहे हो, डायमंड को बताओ हमें क्या फायदा मिलने वाला है। बहुत तो होगा तो भाई एमरल्ड रूबी जो ओपल जो यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए फायदे वाली चीज है। बोला क्यों भाई, चार पांच छह महीने में वो डायमंड मिल जाएंगे तो भाई इनको फायदा उनका मिलेगा, तो हमें क्यों समझा रहे हो। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप भी तो कल को डायमंड बनोगे ना, तो क्या चीज आपके लिए एक्स्ट्रा हो गई ना वो मैं खाली बता रहा हूँ। होता क्या था कि कंपनी ने एक ऐसा फंड बना रखा था, मतलब एक ऐसा फंड था जिसे हम ACPC फंड के नाम से हम जानते थे कंपनी के भीतर, और इस फंड का पैसा पाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ना आपको सेल भेजने की जरूरत है, ना इस फंड के पैसे को पाने के लिए आपको अपनी पेयर मैचिंग कराने की जरूरत पड़ती थी। मतलब इसका आपकी मेहनत से, इस पैसे का आपकी मेहनत से कोई लेना देना नहीं था। मतलब एक तरह से कंपनी के भीतर ये जो ACPC का जो पैसा मिलता था, ये पैसा कंपनी में एक तरह से पेंशन इनकम के तौर पर जाना जाता था। मतलब इसे हम पेंशन इनकम हम बोलते थे। मतलब डायमंड कुछ भी नहीं कर रहा है, घर बैठ के उसको इतना पैसा मिलना ही मिलना है, इसे हम पेंशन इनकम हम बोलते थे। तो होता क्या था, उस पेंशन को पाने के लिए भी ये पैसा बनता कैसे है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता था, मतलब CCC प्लान में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम बनता था उस बने हुए पैसे का एक हिस्सा जो कंपनी के प्रॉफिट के तौर पर आता था, वो कंपनी के प्रॉफिट के तौर पर आया हुआ है पैसा, वो डायमंड और डायमंड से ऊपर के क्लब के लोगों को बांट दिया जाता था। वो कंपनी का अपना मुनाफा था और कंपनी अपने मुनाफे में से वो पैसे को डायमंड और डायमंड से ऊपर के क्लब के लोगों को बांटती थी। लेकिन उसके लिए भी कंपनी ने एक शर्त लगा रखी थी कि अगर कोई डायमंड अगर है तो भाई रीपर्चेज के भीतर कम से कम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मिला के कम से कम 400 बिजनेस वॉल्यूम उसका होना चाहिए। 4000 बिजनेस वॉल्यूम उसका होना चाहिए लेफ्ट और राइट में। एक डायमंड के लिए भी क्राइटेरिया था। मतलब इस पेंशन को पाने का वही व्यक्ति हकदार है जिसकी रीपर्चेज के भीतर, फर्स्ट परचेज की बात नहीं कर रहा हूं, रीपर्चेज के भीतर 4000 बिजनेस वॉल्यूम जिसके पूरे हो जाते थे लेफ्ट और राइट में मिलाकर, उसी व्यक्ति को ही ये ACPC फंड इनकम को लेने का मौका मिलता था। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बहुत सारे डायमंड ऐसे भी थे जो बेचारे डायमंड थे लेकिन ACPC का जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी कि भाई रीपर्चेज से 4000 बिजनेस वॉल्यूम खड़े करने, और रीपर्चेज से 4000 बिजनेस वॉल्यूम खड़ा करना कैसे है, जैसे पहाड़ पर चींटी चढ़ना। पहाड़ पर चींटी को चढ़ने में जैसे तकलीफ होती है ना, रेंग रेंग के आराम आराम चढ़ती है, ऐसे ही रीपर्चेज के भीतर बिजनेस वॉल्यूम आराम आराम से खींच सकता था। तो इस कारण से रीपर्चेज के भीतर भी इस ACPC फंड को बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब कंपनी ने उसमें भी डिस्काउंट दे दिया कि जी अब कोई भी डायमंड अगर है तो उसे लेफ्ट और राइट सिर्फ रीपर्चेज के बिजनेस वॉल्यूम को जोड़कर उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा, रीपर्चेज नहीं, क्योंकि अब तो फर्स्ट परचेज में भी जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आप डाल रहे हैं उतना बिजनेस वॉल्यूम अपने आप आपका रैंक इनकम के लिए या CCC प्लान के लिए अपने आप उतना बिजनेस वॉल्यूम आपका चला जाता है ना। पहले सिर्फ CCC के भीतर 4000 बिजनेस वॉल्यूम बनाने थे, लेकिन अब किसी भी तरह से आपके बिजनेस वॉल्यूम में 70% कम कर दिया गया। 70% का मतलब क्या है, तो डायमंड के लिए पहले 4000 बिजनेस वॉल्यूम बनाना जरूरी था, अब 4000 का 70% अगर निकालेंगे तो कितना हो गया, करीब करीब वो 1000 हो गया, मतलब 1200 हो गया, करीब करीब 1200 मतलब 1200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल चाहिए उसको। 1200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मिला के उसके 1200 बिजनेस वॉल्यूम बनने चाहिए। चलो हिंदी भाषा में समझाता हूं, 1200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या, मान लो 200 बिजनेस वॉल्यूम का एक सेल, आप ही जानते हो 200 बिजनेस वॉल्यूम का एक सेल, तो 1200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 6 सेल। मतलब ऐसा कोई डायमंड जिसकी फर्स्ट परचेज में चाहे रीपर्चेज में किसी में भी, चाहे छोटी वाले लाइन में चाहे बड़ी लाइन वाली लाइन में, पूरे एक महीने में जिसकी 6 सेल चली जाएगी ना, 6 सेल 200-200 की, मतलब वो इसके लिए क्वालिफाई हो गया। 6 सेल भाई साहब, मैं कहता हूं जिस डायमंड का पूरे एक महीने में अगर 6 सेल भी अगर नहीं जाती है तो चुल्लू में पानी ले और नाक डुबा के डूब के मर जाए भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक डायमंड का पूरे महीने में 6 सेल भी नहीं जाएगा, 6 सेल भी नहीं जाएगा, मतलब ये तो वो कोटेशन हो गई, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई जो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, कुछ भी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। मतलब वो 6 सेल की बात कर रहे हो,
वो काउंटर जब खुलेगा 6 सेल, तो आदमी का पहले घंटे में 6 सेल उस डायमंड की टीम से निकल जाएगा। तो ये तो ना के बराबर, मतलब कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं रहा, मतलब कंपनी ने तय कर लिया कि अब हमारा कोई भी डायमंड बिना किसी क्वालिफिकेशन के पेंशन कंपनी का लेगा ही लेगा, पेंशन कंपनी का लेगा ही लेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि 6 सेल तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं हुई। 6 सेल का मतलब कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन वाला एक तरह से प्रोसेस बन गया। तो ये फायदा है जी, डायमंड बनने के बाद आपको भाई महीने का पेंशन भी आपको मिलता है कंपनी के मुनाफे में से, और वो पेंशन बड़ा बढ़िया रहता है, वो पेंशन बड़ा गजब का है। वो पेंशन में भाई कुछ मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है, सरकार पेंशन देती है, अभी सेफ शॉप पेंशन देती है ना। 10वां फायदा जो आपके लिए यहाँ पर जो जुड़ा, 10वां फायदा क्या आपके लिए है कि आमतौर पर अब तक क्या होता था कि आपका मन घूमने का करता था, देश में विदेश में, तो कैसे घूमते थे, कंपनी कोई टारगेट देती थी, जब आप उस टारगेट को क्वालिफाई करते थे तभी आपको घूमने का मौका मिलता था, जिसका टारगेट नहीं हुआ उसको घूमने का मौका नहीं मिलता था। तो क्या होता था कि जब जब जो लोग टारगेट क्वालिफाई करते थे तो कभी कोई शिमला घूम के आता था, कभी कोई मनाली घूम के आता था, कभी कोई गोवा घूम के आता था, कभी दार्जिलिंग घूम के आता था। तो लोग पता क्या करते थे, कई लोग ऐसे भी थे जिनका बेचारों का टारगेट नहीं होता था और कई टारगेट करके घूम के आते थे। अब जब कोई टारगेट करके घूम के आता था ना शिमला से या मनाली से, तो उससे पूछते थे कि भाई कैसा लगा घूम के, तो बोला बड़ा मजा आया यार, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, कहता तुमने फोटो खिंचवाई थी, बोला हाँ, बोला दिखा तो, बेचारा वो फोटो में ही बर्फ को देख के संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि टारगेट तो हुआ ही नहीं उसका, तो मनाली वो जा ही नहीं सकता। वो कहता था मैं गोवा घूम के आया समंदर, क्या कहना समंदर का। वो कहता था समंदर का फोटो खींचा, बोला हाँ, बोला दिखा तो, वो बेचारा समंदर का फोटो देख कर ही काम चलाता था, बोला क्यों टारगेट तो हुआ ही नहीं, बेचारा गोवा कैसे जाएगा, उस बेचारे का टारगेट ही नहीं हो रहा, तो बेचारा कहां से वो गोवा घूमने जाए, कहां से वो मनाली घूमने जाए, कहां से वो शिमला घूमने जाए। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का टारगेट कंप्लीट होगा वही शिमला गोवा नैनीताल या थाईलैंड या और किसी और दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाएगा। अब सिल्वर से लेके डायमंड लेवल तक का हर व्यक्ति को अश्योर्ड ट्रिप उस व्यक्ति को मिलेगी, अश्योर्ड ट्रिप, गारंटेड ट्रिप उस व्यक्ति को मिलेगी, मतलब टारगेट हो चाहे ना हो, लेकिन आप देश और विदेश दोनों जगह आपको मिलेंगे, देश और विदेश दोनों जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों आपके लिए एक फंड आपके लिए तैयार किया हुआ है, ट्रेवल और कार एंडोमेंट फंड। तो देखिए कार ट्रेवल और कार एंडोमेंट फंड मतलब ये भी पैसा वो पैसा है जिस पैसे को पाने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेवल और कार फंड को पाने के लिए आपको कोई सेल भेजनी पड़ी है या ट्रेवल और कार फंड पाने के लिए आपको कोई पेयर मैच कराना पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी कंपनी का एक फायदा है और कंपनी ने अपने मुनाफे में से अपने लोगों को घूमने के लिए मतलब ये पैसा देने का डिसीजन लिया है। कारण क्या है कि जब तक लोग बाहर घूमने के लिए निकलेंगे नहीं तब तक आदमी का दिमाग एक्सप्लोर नहीं करेगा, दिमाग नहीं खुलेगा, और जब आदमी बाहर की दुनिया को देखना शुरू करता है, बाहर घूमता फिरता है, देश में विदेशों में जब घूमता फिरता है, तो आदमी का दिमाग सोचना शुरू करता है, आदमी बड़े बड़े सपने देखना शुरू करता है, आदमी के भीतर बड़े बड़े ड्रीम्स पैदा होते हैं, और जब आदमी के ड्रीम्स पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है उन ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में आदमी सोचना भी शुरू करेगा, है ना। तो इस खातिर से ये ट्रेवल और कार फंड एंडोमेंट फंड तैयार किया गया आप लोगों के लिए। तो आदमी को एक बात बताओ, कार कब खरीदता है, क्या फ्रेशर लेवल, क्या ब्रॉन्ज लेवल पर कोई आदमी कार खरीदता है, नहीं। सिल्वर लेवल पर खरीदता है, नहीं। प्लैटिनम लेवल पर खरीदता है, नहीं। गोल्ड पर खरीदता है, बोला नहीं। पर्ल पर खरीदता है, बोला नहीं। कोरल पर खरीदता है, तो पर्ल के बाद कहीं जाकर टोपाज उपाज के करीब जब आदमी पहुंचता है तो टोपाज के बाद आदमी कार के बारे में कार खरीदने की शुरुआत करता है, मतलब शुरुआत के 6-7 रैंक अचीव करने तक, शुरुआत के 6-7 रैंक अचीव करने तक आदमी को कार की जरूरत ही नहीं पड़ती, आदमी 6-7 रैंक के बाद ही कार खरीदने के बारे में सोचता है। तो इसका मतलब उससे पहले जो पैसा उस व्यक्ति को कंपनी जो दे रही है वो पैसे का मकसद क्या है, ट्रेवल करने के लिए, घूमने करने के लिए, घूमने के लिए। तो दोस्तों ये ट्रेवल फंड आपको हर लेवल पर आपको दिया जाएगा, हर लेवल पर दिया जाएगा, और आपकी आमदनी में हर महीने ये ट्रेवल फंड आपकी आमदनी में हर महीने कंपनी अपनी तरफ से अपने मुनाफे में से उस पैसे को निकाल कर आपको देगी। और ये ट्रेवल फंड आपको किसके लिए दिया गया है, घूमने के लिए। आप देश विदेश घूमो, देश दुनिया घूमो, तो हर लेवल पर सिल्वर से लेकर ओपन लेवल तक हर किसी व्यक्ति को ट्रेवल और ये कार एंडोमेंट फंड दिया जाएगा, जहां पर हर महीने की आपके आखिरी चेक के साथ में ये पैसा जोड़कर आपकी इनकम के साथ में आपके पास में आएगा, जो पैसा आपके घूमने फिरने के मकसद के लिए होगा। तो बढ़िया है जी, दमदार है। तो आप बोलोगे इसका मतलब साहब
ये जो मिल रहा है ट्रेवल और कार एंडोमेंट फंड, ये सिल्वर से लेकर ऊपर लेवल तक के लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो आप बोलोगे इसका मतलब डायमंड बनने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सिल्वर से लेकर ओपल को तो दे दिया घूमने के लिए पैसा, कार के लिए पैसा, तो अब ये डायमंड को क्या? तो डायमंड को कुछ नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? डायमंड और डायमंड से अबव लेवल का जो लीडर है ना, उस व्यक्ति को इतना पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिससे वो लंदन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए अकेले नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकता है। अपनी पूरी फैमिली के लिए उस व्यक्ति को ट्रिप लेने का मौका मिलेगा डायमंड और डायमंड से अबव लेवल के हर व्यक्ति को। तो भाई साहब डायमंड बनने में बड़ा फायदा है, लंदन घूमने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया घूमने को मिलेगा, यूएस घूमने को मिलेगा, वो भी मैडम के साथ में, है ना, मैडम के साथ में। ये जो एसीपीसी फंड जो बनाया गया है, ये एसीपीसी फंड का बनाया हुआ पैसा आपके घूमने फिरने के लिए ही है, आपके एक्सप्लोरेशन के लिए ही है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ये पैसा बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका एसीपीसी फंड के भीतर इतना पैसा आपके पास मिलने वाला है। पहले जो एसीपीसी के भीतर जो पैसा जो लोगों को मिला था कितना था, वो क्या था और किस बेस पे था, वो रीपर्चेज में जो भी बिजनेस वॉल्यूम खरीदे जा रहे थे उसी बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे एसीपीसी फंड बनाए गए थे। लेकिन अभी तो जितना बिजनेस वॉल्यूम आप भेज रहे हैं, चाहे फर्स्ट परचेज में चाहे रीपर्चेज में, सारा का सारा फंड आपका किसमें शामिल होता चला जा रहा है भाई, सीसीसी प्लान के लिए जा रहा है। तो इसका मतलब अब जो डायमंड के लिए जो एसीपीसी फंड जो बनेगा भाई, जो पहले डायमंड के लिए एसीपीसी फंड था, अब तो उसे कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब डायमंड को घूमने के लिए इतना पैसा आदमी को मिलेगा हर साल, इतना पैसा मिलेगा कि अगर वो पूरे परिवार के साथ भी अगर घूमने के लिए गया, अपनी फैमिली के साथ भी अगर घूमने के लिए अगर गया, तो खूब जी भर के घूम के, जी भर के खरीदारी करके वापस लौटेगा तो लाखों रुपए बचा के और वापस आएगा। इतना पैसा आदमी के पास में इस फंड के भीतर मिलने वाला है। तो बधाई हो दोस्तों, डायमंड और डायमंड से अबव लेवल के हर व्यक्ति को फॉरेन टूर करने का मौका मिल रहा है। और बारहवीं जो फैसिलिटी जो आपकी यहां पर बढ़ गई है वो क्या है, जो अभी तक आप फर्स्ट सेल में जो आप प्रोडक्ट को जो आप बेचते थे, आप मान लीजिए 200 बिजनेस वॉल्यूम का आप सामान आप बेचते थे, तो आपको बेनिफिट कितना मिलता था, 200 बिजनेस वॉल्यूम का 200 बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन अब मजे की बात क्या है कि अब 200 बिजनेस वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट अभी तक आपके पास में था, वो अब उन प्रोडक्टों के ऊपर 200 बिजनेस वॉल्यूम का फायदा अब नहीं रहेगा, बल्कि अब 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट के ऊपर अब आपको 300 बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट आपको मिलेगा, 300 बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट आपको मिलेगा। 150 बिजनेस वॉल्यूम आपके फर्स्ट परचेज में, 150 बिजनेस वॉल्यूम आपके फर्स्ट परचेज में आपको मिलेंगे, और 150 बिजनेस वॉल्यूम आपको सीसीसी प्लान के भीतर रैंक इनकम की तरफ आपका ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाएगा। मतलब 150 आपका रैंक इनकम के लिए चला जाएगा और 150 आपका फर्स्ट परचेज के लिए चला जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट अभी तक आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम में मिलते थे, उन्हीं 200 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर अब आपको 300 बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट दोस्तों अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेचुलेशन, आपके लिए बेनिफिट 100 बिजनेस वॉल्यूम एडिशनल एड ऑन आपके लिए बढ़ गए। और 13वां फायदा कि अब आप बोलोगे भाई कंपनी अगर घूमने के लिए भी पैसा दे ही रही है, विदेश जाने के लिए भी पैसा दे ही रही है, तो इसका मतलब कंपनी तो टारगेट बंद कर देगी, क्योंकि जब दे ही रहे तो टेंशन क्या है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। एश्योर घूमने फिरने के लिए तो पैसा कंपनी आपको दे ही रही है, लेकिन इसके अलावा कंपनी जो 3 महीने के टारगेट आपको देती थी, जिसमें आपको नेशनल लेवल पर घूमने का मौका मिलता था, मोबाइल जीतने का मौका मिलता था, यूरोप कंट्री में या और दूसरे फॉरेन कंट्री में आपको घूमने का मौका मिलता था, तो वो सारे के सारे ट्रिप और वो सारे के सारे फायदे, वो कंपनी के टारगेट्स भी आपको लगातार वैसे ही मिलते रहेंगे जैसा कि आपको इससे पहले मिलते थे। 3 महीने के टारगेट आपके लगातार चलते रहेंगे, तो सुविधा आपकी बरकरार वैसे ही है। अब मजे की बात यहां पर क्या होगी ना कि अब रिकॉग्निशन लेवल और रैंक लेवल दोनों अब एक साथ चलेगी, दोनों आपकी सेम होगी। मान लीजिए जो व्यक्ति आज जुड़ा है, जिस व्यक्ति ने सेफ शॉप बिजनेस को आज ज्वाइन किया है, ठीक है, आज इसकी सेल गई है और आज उसकी सेल जो ग्रीन हुई है, तो आप मुझे बताओ अब आज से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति आज अगर वो कोई सेल करता है, किसी व्यक्ति को अगर वो ज्वाइन कराता है, लेफ्ट में अगर उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया 200 बिजनेस वॉल्यूम से, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली उसका सीसीसी प्लान में रैंक इनकम के लिए भी चली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और 200 बिजनेस वॉल्यूम उसने राइट में अगर ज्वाइन कराया तो राइट में 200 बिजनेस वॉल्यूम और बन गया। अगर मान लो उस व्यक्ति ने अगर एक हफ्ते के भीतर 10 सेल लोगों की लगाई 200-200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, तो 10 सेल के हिसाब से 200-200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से अपने आप सीसीसी प्लान के भीतर भी रैंक इनकम के लिए भी वहां भी क्रिएट हो जाएगी, वहां भी उसका बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका मतलब जितने समय में वो व्यक्ति ब्रॉन्ज बना
अब ब्रांच बनने के लिए जितना बिजनेस वॉल्यूम उसने डाला उतना ही बिजनेस वॉल्यूम अपने आप सीसीसी प्लान के भीतर रैंक इनकम बनाने के लिए भी तो वहां जनरेट हो रही है ना। मतलब जब वो व्यक्ति ब्रांच बनेगा, ब्रांच के साथ वो व्यक्ति रैंक वन भी कंप्लीट कर जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना कोई एक्स्ट्रा वर्क के, बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए, बिना रीपर्चेस में अगर खरीदारी नहीं भी हुई है तो रीपर्चेस के भीतर खरीदारी किए बिना भी उस व्यक्ति का रैंक इनकम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया। मतलब फर्स्ट वाई से भी उसके पास पैसा आया। मान लो कोई ब्रांच अगर बनता है तो ब्रांच बनने पर कितना पैसा वो व्यक्ति कमाता है। ब्रांच बनने के लिए क्या जरूरी है, 20 आदमी की टीम, 10 लोग लेफ्ट में और 10 लोग राइट में, जिस व्यक्ति की टीम में है 200-200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से वो व्यक्ति ब्रांच बन जाता है। या फिर 1:2 के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसकी 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल के हिसाब से 7 सेल लेफ्ट में होनी चाहिए और 13 सेल राइट में होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति ब्रांच कंपनी के हिसाब से मान लिया जाएगा। मतलब छोटी वाली लाइन में 7 सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम के होनी चाहिए, तो इसका मतलब 7 सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम के होनी चाहिए तो ब्रांच जो व्यक्ति बना है वो कितना पैसा कमा लेगा। बुलसाई को अगर आप हटा दो तो पेयर मैचिंग के हिसाब से उस व्यक्ति के पास में 7,000 रुपया कम से कम आ जाएगा, है ना। बुलसाई को हम मान लेते हैं, अभी हटा के चलते हैं, 7 सेल उसने लगाई छोटी लाइन में ब्रांच बनने के लिए और बड़ी वाली लाइन में 13 सेल थी, तो इसका मतलब वो 7,000 उसने ब्रांच बनने तक कमा लिया। लेकिन उसकी रैंक वन भी क्वालिफाई हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि 7 सेल के हिसाब से उतना ही बिजनेस वॉल्यूम वहां भी जनरेट हो गया और रैंक वन के ऊपर भी उसके पास करीब 6,000-7,000 रुपए की आमदनी उसको और एडिशनली मिल जाएगी, एक मुश्त में एक साथ 6,000-7,000 उसे मिल जाएगी। हो सकता है ब्रांच बनने में उसको 15 दिन लगा होगा, 20 दिन लगा होगा, तो उसको 2-3 वीक में वो पैसा 7,000 आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने रैंक वन कंप्लीट की अगले चेक के साथ में वो पैसा जोड़कर उसके साथ 6,000-7,000 रुपए की आमदनी और आ गई। मतलब जितनी मेहनत वो पहले कर रहा था, एक आदमी हमारा जितनी मेहनत पहले कर रहा था ब्रांच बनने में और जितना पैसा वो कमा रहा था उससे डबल पैसा आज जो व्यक्ति ब्रांच बन रहा है उतना ही काम करके वो व्यक्ति कमाने वाला है। कोई एडिशनल उसे कोई खरीदारी करने की जरूरत नहीं, कोई एडिशनल कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, तो रिकॉग्निशन लेवल और रैंक लेवल सेम एक साथ चलेगी। वो व्यक्ति अगर कल को सिल्वर बनता है तो रैंक टू क्वालिफाई कर जाएगा, ऑटोमेटिकली रैंक टू का भी पैसा उस व्यक्ति को मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर प्लैटिनम बन गया तो ऑटोमेटिकली वो प्लैटिनम रैंक पर यानी कि थर्ड रैंक को क्वालिफाई कर जाएगा और थर्ड रैंक का पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा। तो इस तरह से रिकॉग्निशन और रैंक इनकम सेम चलेगी। लेकिन बहुत सारे अभी साथी ऐसे होंगे जो भी ना टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी है, ओपल है, डायमंड है, जो पहले से ही फर्स्ट रैंक क्वालिफाई करके बैठे होंगे, कोई सेकंड रैंक क्वालिफाई करके बैठा होगा, कोई थर्ड रैंक क्वालिफाई करके बैठे होंगे, कोई फोर्थ रैंक क्वालिफाई करके बैठे होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब भाई अब तो हमारी रैंक फिर से जीरो से शुरू होगी, हमारा काउंटर फिर से जीरो से शुरू होगा, फिर से हम रैंक वन रैंक टू अचीव करेंगे। भाई जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो हमारा रीपर्चेस के भीतर जो बचा हुआ था जिससे हमें रैंक मिलती थी तो वो तो खत्म हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी रीपर्चेस के भीतर आपका बिजनेस वॉल्यूम पहले था लेफ्ट में या राइट में जिससे आपकी रैंक इनकम आपकी बनती थी, वो बिजनेस वॉल्यूम आपकी खत्म नहीं होगी, फ्लश नहीं होगा, बल्कि उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आज से प्लान में उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जितना बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस में लेफ्ट में था आपका राइट में था वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और आपने अगर सेकंड रैंक आपने अचीव कर रखी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आप इसके बाद जो भी सेल आप भेज रहे हैं आपकी टीमें जा रही है, चाहे वो फर्स्ट परचेज में चाहे वो रीपर्चेज में, उतना ही बिजनेस वॉल्यूम आप ऑटोमेटिकली सीसीसी प्लान के भीतर रैंक इनकम में बनती चली जाएगी और आपका अगला लेवल सेकंड रैंक के बाद थर्ड रैंक आप अचीव करेंगे। और जिन्होंने थर्ड रैंक क्वालिफाई कर रखा है वो फोर्थ रैंक के लिए बढ़ेंगे और जिन्होंने फोर्थ रैंक क्वालिफाई कर रखा है वो फिफ्थ रैंक की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, कंपनी ने कुछ भी आपका डैमेज नहीं किया, कुछ भी आपका नुकसान नहीं किया, बराबर सारी सुविधाएं उन्होंने कंपनी ने आपको बराबर एज इट इज आपको दी है, आपका बचा हुआ बिजनेस वॉल्यूम भी कैरी फॉरवर्ड किया है और आप अगले लेवल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो अभी रिकॉग्निशन ले रहे हैं उनकी रिकॉग्निशन लेवल, जो आज से जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी जो आने वाले कल में रिकॉग्निशन लेवल बनेगी, तो रिकॉग्निशन लेवल और रैंक लेवल दोनों बाबू बराबर बराबर बनेगी, ये समझ लो भाई साहब। जो अभी तक आदमी डायमंड बनता था ना बेचारा 45-50 लाख में सूखे सूखे गंगा नहा लेता था, कहता था भाई मजा नहीं आया, लेकिन अभी ये जो सिस्टम जो चल रहा है ना 1.5-2 करोड़ से कम में वो कमाने वाला नहीं है। मतलब उतनी ही सेल करके उतना ही सब कुछ करके जो डायमंड बनेगा 1.5-2 करोड़ का मालिक होगा, पॉसिबिलिटी से ज्यादा की भी है, 1.5-2 करोड़ का कम से कम मतलब वो डायमंड आदमी होगा। तो सोचो यार, एक डायमंड जब 1.5-2 करोड़ का होगा तो मतलब जिंदगी क्या है, जहां उसने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने उसको ऐसा नहीं बोला तो रीपर्चेस करेगा तभी तेरा रैंक बनेगा, या तो फर्स्ट परचेज में जो सेल डाल रहा है सीधे डबल होकर उस व्यक्ति के पास में आ रही है, उस व्यक्ति के पास मिल रही है। मेरे यार, लास्ट जब सीसीसी प्लान का पहला चेक शो आउट हुआ था तो मैंने
पहली बार में मैंने 5 रैंक मैंने क्वालिफाई की थी। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूँ, 5 रैंक मैंने क्वालिफाई की थी। ध्यान से सुनना है सर, ध्यान से अच्छे से, 5 रैंक मैंने क्वालिफाई किया था। अब 5 रैंक क्वालिफाई करने से मेरा पहला जो सीसीसी प्लान के भीतर जो मेरा पहला चेक बना था वो 12.25 लाख का बना था, मतलब 11,78,000 रुपए का चेक बना था। 11,78,000 का चेक था, 12.25 लाख रुपए का वो चेक था और मैंने 5 रैंक क्वालिफाई की थी। 5 रैंक का मतलब क्या हो गया, ब्रॉन्ज पहला रैंक, सिल्वर दूसरा रैंक, प्लैटिनम तीसरा रैंक, गोल्ड चौथा रैंक, पर्ल 5वां रैंक और कोरल 6वां रैंक, यानी कोरल तक बना था, कोरल 6वां रैंक। ब्रॉन्ज पहला रैंक, सिल्वर सेकंड रैंक, प्लैटिनम 3rd रैंक, गोल्ड 4th रैंक, पर्ल 5th रैंक और 6ठा कोरल। हाँ, 6 रैंक मैंने क्वालिफाई की थी, 5 नहीं, मैंने 6 रैंक क्वालिफाई की थी, कोरल तक मैं गया था। 6 रैंक मैंने क्वालिफाई की थी और 6 रैंक क्वालिफाई करने के बदले में मुझे 12.25 लाख रुपए मिला था। अब जरा ध्यान से समझो, ये 12.25 लाख रुपए किस चीज का था? ये 12.25 लाख रुपए मैंने 6 रैंक क्वालिफाई की थी उसका पैसा था, लेकिन ये पैसा किस बेस पर बना था? रीपर्चेज में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम बनता था तो रीपर्चेज से बनने वाले बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर मुझे मेरी रैंक मिलती थी। किसके आधार पर? रीपर्चेज के बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर मुझे मेरी रैंक मिलती थी। लेकिन अभी इस समय जो लोगों की रैंक बनेगी वो रीपर्चेज के बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर नहीं बनेगी, बल्कि उनका जो फर्स्ट परचेज में जो बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, फर्स्ट परचेज का बिजनेस वॉल्यूम और रीपर्चेज का बिजनेस वॉल्यूम, ये सारा का सारा मिक्सअप होके उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए पैसा बनेगा। अब जरा सोचो, आप ही मुझे बताओ, आपकी टीम में जो व्यक्ति आज जुड़ा है उसे कोरल बनने में कितना टाइम लगेगा? चलो बताओ आप मुझे, कोई भी व्यक्ति एक आध माइक खोल के बताओ, कोरल बनने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, 1 से 1.5 साल सर। 1.5 साल में बन जाएगा ना कोरल आदमी, मजे मजे में। कोरल का मतलब 750 लोगों का नेटवर्क, 750 लोगों का नेटवर्क 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। मान लो 1.5 साल में भी बन गया, 1 साल में भी बन गया, 1.5 साल, चलो संतोष जी ने बोला 1.5 साल हम मान लेते हैं, 1.5 साल में वो व्यक्ति कोरल बन गया, तो 1.5 साल में जब वो व्यक्ति कोरल बनेगा तो कोरल व्यक्ति कितना पैसा कमा लेता है? फेयर मैचिंग इनकम अगर मान लो करता, मान लो ये प्लान अभी होता ही नहीं, ये रैंक वाला प्लान अभी होता ही नहीं, तो कोरल बना हुआ व्यक्ति 750 का मतलब क्या था? अगर बराबर के हिसाब से भी अगर चलता तो क्या हिसाब किताब बनता? 750 पे मैचिंग कितनी करता? 3.5 से 3 लाख रुपए कमाता कोरल व्यक्ति, 3.5 से 3 लाख रुपए कमाता। लेकिन देखो, 6ठी रैंक मैंने क्वालिफाई की और सीसीसी प्लान के भीतर रीपर्चेस के बिजनेस वॉल्यूम पे खाली उतना मैंने कमीशन कमाया 12.25 लाख रुपए। तब जरा सोचो कि डेढ़ साल में अगर कोई व्यक्ति कोरल बनता है तो 3.5 से 3 लाख की जो मैचिंग इनकम उसको मिलनी है वो तो मिलेगी उस व्यक्ति को, 3.5 से 3 लाख की मैचिंग इनकम। लेकिन इसके अलावा 12.25 लाख रुपए जब मैंने कमा लिए, तो एक बात बताओ, 1.5 साल में 12.25 लाख रुपए कमाने के लिए उसको एडिशनली कोई बिजनेस वॉल्यूम भेजना पड़ा क्या? मैंने तो रीपर्चेस भेजी, टीम ने भेजी, तब पैसा बना इधर, तो जितना बिजनेस वॉल्यूम इधर भेज रहा है उतना बिजनेस वॉल्यूम का पैसा तो उधर भी धड़ाधड़ बनता चला जा रहा है। उसकी फर्स्ट रैंक क्वालिफाई, सेकंड रैंक क्वालिफाई, 3rd रैंक क्वालिफाई, 4th रैंक क्वालिफाई, 5th रैंक क्वालिफाई, 6th रैंक क्वालिफाई, झटाझट धड़ाधड़ क्वालिफाई होती चली गई। और तो और, उसका जो रैंक इनकम जो बनेगा ना, होल सोल पूरे सेल का बिजनेस वॉल्यूम को कैलकुलेट करके उसके पास पैसा आएगा। हमें तो 12.25 लाख मिला और उसे तो पता नहीं कितना लाख मिलेगा, मतलब 1.5 साल में बनने वाला कोरल भी धुआंधार पैसा कमाने वाला है, धुआंधार पैसा। मतलब ये तो सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्शन बता रहा हूं, था क्या कि पिछली बार जब प्लान आया था ना, हमने लोगों को बताया था इतना मिलेगा, बेचारों को इतना मिला, दिल टूट गया। तो आज की तारीख में कोई भी पैसे का कैलकुलेशन आपको हम नहीं दिखा रहे, आपको सिर्फ क्या बोल रहे हैं, मिलेगा भरपूर। आपको बता इतना रहे हैं कि भाई साहब 12.25 लाख अगर मुझे मिला था 6 रैंक क्वालिफाई करने से, तो 1.5 साल में अगर आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति कोरल बनता है तो जो पेयर मैचिंग का पैसा कमाएगा वो तो कमाएगा, लेकिन 12.25 लाख तो एक्स्ट्रा उसके लिए हो गया ना, लेकिन 12.25 लाख नहीं, बोल तो हम 12.25 लाख भी गए हैं, मैं तो अपना कैलकुलेशन बता रहा हूँ रीपर्चेस के हिसाब का, लेकिन उस व्यक्ति के पास में जो प्रेजेंट का कैलकुलेशन बनेगा भाई साहब, वो इतना होगा कि जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो बता रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा पैसा लोगों के पास में होगा। तो मतलब जबरदस्त मजा आने वाला है ना। अगली तरफ से दोस्तों, आपके पास में सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मैचिंग इनकम से आप घर के खर्चे चलाओ और रैंक इनकम से अब सपने पूरे करने की बारी आ गई है, क्योंकि रैंक इनकम तो ताबड़तोड़ बनेगी। देखो, इस रैंक इनकम को बनाने के लिए आपने कुछ किया क्या भाई? पहले भी जो आप काम करते थे तो पेयर मैचिंग का पैसा आपको मिलता था ना,
आपने एक जो आपकी टीम में एक जोड़ा बना तो 1000 मिल गया, आपने चार जोड़ा बनाया तो 4000 मिल गया, पांच जोड़ा बनाया तो 5000 मिल गया, तो उतने पैसे में काम चलता था ना। मान लो किसी व्यक्ति का परिवार का खर्चा है 50000 रुपया, ठीक है 50000 खर्चा है, और उस 50000 में सब चीज सेट है कि भाई इतना पैसा दूध वाले को जाएगा, इतना पैसा बच्चे के स्कूल का फीस का जाएगा, इतना पैसा उसको देना है, इसका इतना पैसा उधर जाना है, इसका इतना पैसा उधर जाना है, मतलब पूरे 50000 का हिसाब किताब पहले से सेट। 50000 आया नहीं कि पहले एक सप्ताह में वो 50000 का एकदम बाजा बच जाता है, बराबर हो गया हिसाब किताब, कुछ बचता नहीं आदमी के हाथ में, है ना। जितना आदमी की कमाई होती है उस कमाई के हिसाब से आदमी के खर्चे पहले से सेट होते हैं, वो पैसा आना और खत्म हो गया। लेकिन मान लो 50000 का खर्चा तो ठीक था, अब अचानक अगले ही महीने से जब वो 50000 का खर्चा उस आदमी का था, परिवार का खर्चा था, 50000 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसी हिसाब से लाइफ थी, लेकिन अचानक उस व्यक्ति को अगले ही महीने से उसकी तनख्वाह 1,00,000 हो जाए, मतलब 50000 की जगह उसकी तनख्वाह हो जाए 1,00,000 रुपया, तो आदमी पागल नहीं हो जाएगा? आदमी क्या करना शुरू करेगा? तनख्वाह अचानक बढ़ गई, खर्चे तो उसके घर के उतने ही थे ना, अब अगले महीने तनख्वाह बढ़ गई तो आदमी क्या करेगा? फालतू का 50000 आ गया, दारू पिएगा, सुट्टा लगाएगा, एक्स्ट्रा आ गया ना फालतू का पैसा, क्योंकि घर का खर्चा तो 50000 में सेट था, अब अगले पिछले ही महीने तक उसका हिसाब किताब 50000 में चलता था, अब अचानक उसको 1,00,000 रुपये मिलना शुरू हो गया, अगले महीने तनख्वाह बन गई, तो 1,50,000 क्या करेगा? अगर उस 50000 को समझदारी से अगर खर्च अगर नहीं करेगा ना, तो फालतू की चीजों में उस पैसे को लगा लगा के अपने आप को बर्बाद कर डालेगा। तो अभी की कहानी क्या है कि मान लो जो लीडर अभी इस समय महीने का अगर कोई गोल्ड है या कोई पर्ल है 25-30000 अगर महीना अगर कमा रहा है, तो 25-30000 तो महीना जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, लेकिन अब क्या होगा? अचानक से जो 25-30000 की जो उसकी कमाई थी वो सीधे सीधे डबल हो जाएगी, क्योंकि जितनी सेल उसकी जा रही थी उसी सेल के हिसाब से उसका रैंक इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी 25-30000 महीने की कमाई थी, अब सीधे 50000 हो जाएगी उसकी कमाई, डबल हो गई सीधे उसकी कमाई। अब जब उसकी कमाई डबल हो गई तो खर्चे तो उसके 25000 में पहले से सेट थे ना, 50000 में सेट थे ना, तो अब क्या करना शुरू करेगा फालतू के पैसों से? अगर उसने कोई प्लानिंग नहीं की है तो उस फालतू के पैसों से सुट्टा लगाएगा, दारू पिएगा, फालतू की चीजों में खर्चा करना शुरू कर देगा। तो ये फालतू के पैसे को फालतू जगह खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे, इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको रखना जरूरी है, मतलब जो आपको ये सलाह दे कि इस पैसे का करना क्या है। और मजे की बात क्या है ना कि मार्केट में तो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर रखने के लिए बाहर पैसा खर्चा करते हैं, और इधर सबसे बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर आपका कौन है? आपका अप्लाई। मजे की बात, ऐसा सीए आपको आपके अप्लाई के तौर पर मिला पड़ा है ना, जिसको कोई फीस भी नहीं देनी, जिसको कोई कमीशन भी नहीं देना कि भाई चलो 20% आपको देंगे या इतना पैसा हम आपको अपना फाइल मेंटेन करने के लिए देंगे, कोई बिना मेंटेन की, बिना मेंटेनेंस के फाइल के आपका अपलाइन आपको गाइड करता है। जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे उस पैसे को सही तरीके से लगाओ, सपने पूरे करने में लगाओ, क्योंकि पैसा तो बढ़ेगा नो डाउट, जो पैसा आप पहले कमा रहे थे और जो पैसा अब आपके पास आएगा, दोनों में बड़ा अंतर होगा, दोनों में डबल का फायदा सीधे सीधे होगा, डबल का फायदा होगा, बिना उतनी ही मेहनत में डबल फायदा आपको मिल रहा है। तो ये बात अब क्या आ गई, मैचिंग का जो पैसा आपके पास आ रहा है उस मैचिंग के पैसे से घर का खर्चा चलाओ जैसे पहले चलाते थे, और रैंक इनकम में जो पैसा बन रहा है ना, इस रैंक इनकम के पैसे से समझदारी से सपने पूरे करने वाली चीजों को खरीदना शुरू करो। सपने जिनसे पूरे होते हैं, जिन चीजों की शौक था, जो चीजें आपके लिए जरूरी था, तो किस लेवल पर क्या आपको खरीदना चाहिए, मुझे लगता है अप्लाई से बेस्ट बताने वाला कोई नहीं है, है ना। यहाँ इस पैनल पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अपलाइन भी है, और मजे की बात वो कहीं ना कहीं किसी के डाउनलाइन भी है, तो आपको समझना भी है और आपको समझाना भी है, कंट्रोल भी करना है और आगे भी बढ़ना है, ठीक है ना, दोनों तरीकों से यहाँ पर लेके चलना है। तो मजे वाली बात है भाई, अब आपको सपनों को पूरा करने के खातिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रैंक इनकम जो आपके पास में होगी आपके सपने पूरे करने के लिए काफी है, है ना। हम लोगों को रैंक इनकम बनाने के लिए भाई साहब रीपर्चेस में सेल भेजनी पड़ी, रीपर्चेस में सेल भेजी तब जाकर रैंक बनी, और मजे की बात अरे आप लोग रीपर्चेज में अगर सेल नहीं भी भेज रहे हो तब भी रैंक ऑटोमेटिकली बन रही है, यार खुशी की खबर नहीं है क्या? उतनी ही सेल भेजकर आपको रैंक ऑटोमेटिकली बन रही है, जबकि उसी रैंक को बनाने के खातिर हमको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ गया तब जाकर हमारी रैंक बनी, और चींटी की तरह हम पहाड़ पे चढ़े, और आपको तो चींटी की तरह पहाड़ पे भी नहीं चढ़ना, मतलब धुआंधार इधर तो क्या है, घोड़े के ऊपर चढ़कर एकदम सरपट वाली प्लेन सड़क पर खाली आपका घोड़ा दौड़ रहा है, ताबड़तोड़ तगड़म 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 दौड़ता चला जा रहा है, मतलब एकदम धुआंधार तरीके से आपकी रैंक आपकी बढ़ रही है। तो आप मुझे बताओ ब्रॉन्ज कोई व्यक्ति कितने दिन में बन जाता है? करने वाला आदमी 15-20 दिन महीने भर में कंप्लीट कर जाएगा, तो महीने भर में उसकी आमदनी डबल हो गई ना। सिल्वर कितने दिन में बन जाता है? महीने डेढ़ महीने में अगर आदमी करने वाला, तो महीने डेढ़ महीने 2 महीने में सिल्वर बन गया, 2 महीने में 2